اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات مقدس مطہر پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک الملک ذل جلال والاکرام دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلی و بالا واسطے واجب الاحترام احباب گرامی قرآن مقدس دی ایک آیت مبارکہ دا کچھ حصہ میں اس وقت تساں احباب دے سامنے مسنون خطبہ دے اندر تلاوت کیتا ہے اللہ پاک دے گے دعائے مولا کریم صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی اور میرے سمیت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اور اج دی اس بابرکت پر رحمت گھڑی دی بر وقت حاضری
अपनी बारगाह च मकबूल फरमा के जरिए निजात बनाए। मोमिन बंदा अल्लाह दा बड़ा ही मुकर्रब और अल्लाह दा बड़ा ही प्यारा और अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हां बड़ा ही कदरो कीमत वाला है। इस मोमिन बंदे दे बारे रब्बे कायनात दियां बेशुमार बशारतां मौजूद ने। मोमन बंदियां ते अल्लाह पाक दा खास इनाम है, बहुत बड़ा एहसान है। उन्हां इनामात दे विचों परवरदिगार दे मोमिना ते एहसानात दे विचों एक बहुत बड़ा इनाम फरमाया वकाना हक्कन अलीना नसरुल मुमिनीन। मोमनू असी कदे भी तनहाओ यकता नहीं रहन देंगे। इन अल्लाह माल मुमिनीन, अल्लाह दी मदद मोमिना दे नाले, अल्लाह दी नुसरत मोमिनीन दे नाले, अल्लाह पाक दा कुरब मोमना ते वाजिबे, अल्लाह दी मोहब्बत मोमिना ते लाजिम और वाजिब हो चुकी है। और जिदे नाल कायनात दा रब मोहब्बत करे, जिदे नाल परवरदिगारे आलम मोहब्बत करे, फायुहिब्बु अहलुस समाई वल अर्ज, ओ दे नाल जमीनी भी और आसमानी, हत्ता के हर चीज ओ दे नाल मोहब्बत कर दिए जी दे नाल कायनात दा रब प्यार कर दाए। और मोमिना दे वास्ते अल्लाह दी बहुत बड़ी बिशारत, बहुत बड़ी खुशखबरी, वकाना हक कन अलैना नसरुल मुमिनीन। अल्लाह फरमांदे ने साडे ते लाजिम है, साडे ते जरूरी है कि असी मोमिना दी मदद करिए, मोमिना वास्ते अपनी नुसरत दा नजूल फरमाइए। कुरान दा वादा बरहक्के, अल्लाह दा वादा साचे, मोमिनू अल्लाह दी मदद जरूर मिलती है। तो अहबाबे गिरामी, अल्लाह दी मदद कुछ शराइत दे नाल मखसूस है। अगर मोमन बंदियां च ओ ईमान वालियां खूबियां और ओ औसाफ होंगे तो अल्लाह दी मदद और नुसरत लाजमी तौर ते शामिल हाल हुंदी है। अगर बज़ाहिर मोमिने आमलन मोमिन नहीं, जुबान से तो कह दिया ला इला तो क्या हासिल, जब दिलो सुबा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह दी मदद मोमिनीन वास्ते, अल्लाह दी मदद मुवहिदीन वास्ते, अल्लाह दी मदद
साबरीन वास्ते अल्लाह दी मदद, शाकरीन वास्ते अल्लाह दी मदद, आबेदीन वास्ते। तो अहबाबे गिरामी, आज मुआशरे दे अंदर बड़े मुजालिम ढाए जा रहे ने। मुसलमान जुल्मो सितम दा निशाना है। जन्नत नजीर वादीए कश्मीर दे अंदर जुल्मो सितम दा सिलसिला अरसे तो जारी है। अर्ज़े मुकद्दसा फलस्तीन, उथों दे मुसलमान यहूद दे जुलम दा निशाना बन चुके ने। और इन्हां हालात दे अंदर, इन्हां वाकयात दे अंदर अल्लाह दी मदद क्यों नहीं उतर दी? नुसरत इलाही तो मुसलमान क्यों महरूम हो चुके आए? जबकि अल्लाह दा वादा बरहाके के मोमिन ते अल्लाह दी मदद भी लाजिम आएगी, इस्लाम भी गालिब होएगा। लेकिन अल्लाह दी मदद तो आज मुसलमान महरूम क्यों हो चुके आए? ओदे असबाब और ओदियां वजूहात की ने? आज दे खुतबा दे अंदर चंद एक असबाब अहबाब दे सामने रखना चाहना, और अल्लाह दे हुजूर ए असी अहद कीजिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुसलमाना ते अपनी मदद दा नजूल फरमा और अपने वादियां नू सच फरमा के मजलूमा दी नुसरत फरमा। तो अहबाबे गिरामी, आइए बड़े प्यार दे नाल कुरान दिया आयात ते गौर करना। अल्लाह दी मदद किन्ना लोगों नू हासिल हुंदी है? नुसरत इलाही दे मुस्तहक कौन ने? और अल्लाह दी मदद किन्ना वास्ते लाजिम और जरूरी है? रब्बे कायनात ने अपनी पाक किताब दे अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ी बिशारत सुनाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमना नू बशारत सुना रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने तुसी गम ना करिया जे, दुश्मन दियां फौजां तुआडे ते टुट पैन, इन्हां दे कोल माल मनाल भी होन, इन्हां दे कोल दुनिया दी हर चीज मौजूद होए, इन्हां दे कोल वसाइल भी ज्यादा होन, अफराद भी ज्यादा होन, कुव्वत व ताकत भी ज्यादा होए, हालात जिस तरह दे भी होन, अल्लाह फरमांदे ने वला ताहीनू वला तहजनू, ना तुसी गम करे आजे, ना तुसी फिकर करे आजे, वा अंतुमुल आलून, तुसी ही गालिब होवोगे, तुसी ही फाते होवोगे, तुसी ही कामयाबो कामरान होवोगे। एक शर्त ला दी, इन कुंतुम
मुमिनीन। अगर तुसी मोमिन होवोगे फतह तुहाडी होएगी, अगर ईमान मजबूत होएगा और अगर दिल दे अंदर ईमान दी मिठास मौजूद होएगी, अल्लाह दी मोहब्बत होएगी। हो अगर आज भी इब्राहिम सा ईमान पैदा, तो आग भी कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। ले आओ इब्राहिमी ईमान, जनाबे मूसा जैसा ईमान, और मेरे पाक नबी दे सहाबा जैसा ईमान। कौन उमर बिन खत्ताब है जिन्ना दा ईमान इन्ना मजबूत है कि जनाबे उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो मदीने च बैठे ने हजारों मील ते कैसरो किसरा ते लर्जा तारीए। एदी वजह की है, इन कुन तुम मोमिनीन, जिदो मोमिन बन जाओगे मीलों मुसाफत ते सैकड़ों मील दे फासले ते हजारों मील दे फासले ते मैं दुश्मन दे दिलां च तुहाडा रोप तारी कर देंगा। जिदो माल दे पिछे लग जाओगे, जिदो दुनिया दे तालिब बन जाओगे, दुनिया नू अपने लिए खजाना समझन लग जाओगे, अल्लाह दी मोहब्बत ते अल्लाह दे प्यार ते दुनिया दीयां चीजां नू तरजीह दोगे, तो अल्लाह फरमांदे ने फिर तुसी इस दुनिया दे अंदर ही मगन हो के रह जाओगे। तो हबाबे गिरामी, आइए ईमान पैदा कीजिए, फिजाए बदर पैदा कर के फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार। अब भी आज भी अल्लाह दे मलाइका तेरी मदद वास्ते उतरन, तेरी नुसरत वास्ते नाजिल होन, शर्ते के अपने ईमान दी मजबूती इख्तियार कीजिए। असी ईमान दा दावा भी करने आ, शिरक दा भी इरतिकाब करने आ। ईमान ले आउन तो बाद अल्लाह दे नाल जंग सूदी कारोबार भी करने आ। तो मेरे भाई, ईमान बहुत कमजोर हो चुके आए, जिदी वजह तो असी अल्लाह दी मदद तो महरूम हो चुके हैं। मेरे और तुआडे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे मुबारक ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजल फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिबलकुम व यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बादिही व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर तुहाडी अल्लाह मदद करे, कौन मदद करे? बोलो, मदद करने वाला कौन है? फरमाया, अगर तुहाडी अल्लाह मदद करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुहाडा नासिर बन जाए, कायनात दा रब तुहाडा हामी बन जाए, कोई दुनिया दी शिकस्त कोई दुनिया दी ताकत तुहानू जनाब दुनिया तो जनाब शिकस्त नहीं दे सकती। अगर अल्लाह तुहानू इज्जत देना चाहे, अल्लाह तुहानू गालिब करना चाहे,
अल्लाह तुहानू इज्जत वकार अता करना चाहे। यहूदो हनूद मिल जान, नसारा मिल जान, बातिल मजाहब मिल जान, ए पूरी दुनिया दा कुफर भी मिल जाए, जिदी अल्लाह मदद करे ओनू कोई मगलूब कर सकया, ओनू हमेशा इज्जत मिलती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वाईं अखजुलकुम, और जिन्नू अल्लाह जनाब मगलूब करना चाहे, जिल्लत देना चाहे, जिन्नू अल्लाह रुसवा करना चाहे, कौन है जेड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे मुकाबले च किसे दी मदद कर सके। और मोमिनो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअल्लाही फलियतवक्कलिल मुमिनून, फरमाया मोमन तवक्कुल करता है ते अल्लाह दी जात ते करता है, अल्लाह दी जात ते ही भरोसा रखता है। इस वास्ते मेरे भाई आइए बड़े प्यार दे नाल अर्ज करना चाहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमन बंदियां दे नाल अपनी नुसरत दा वादा फरमाया है। शर्त एवे के तुसी मोमन बन जाओ मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मदद अज भी मोमिन देनाले, आज भी मोमिना देनाल अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मदद शाम ने हाले। आइए अपने ईमान दा जायजा लीजिए, बड़े प्यार नाल अरस करना चाहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मदद किन्ना लोकां नू मिलदी है। कुरान सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल अर्ज़ा लिल्लाही यू सुहा मैयाशाऊ मिन इबादिही वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए जमीन ते अल्लाह दी हुक्मरानी है, मेरे भाई जमीन दा मालिक कौन है, जमीन दा वारिस मेरा अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ओ जिन्नू चाहे इस जमीन दा वारिस बना देवे, खलीफा बना देवे, जमीन ते हुक्मरानी अता फरमा देवे। अल्लाह फरमांदे ने वला किबतु लिल मुत्तकीन, और बेहतर अंजाम कामयाबी मिलेगी ते मुत्तकीन नू मिलेगी, नुसरत मिलेगी, परहेजगारां नू मिलेगी। मुत्तकीन बंदे वास्ते अल्लाह दी मदद लाजिम और वाजिब हो चुकी है। इस वास्ते अल्लाह दी मदद चाहते हो, अल्लाह दी नुसरत चाहते हो, ओदे वास्ते परहेजगारी जरूरी है, तकवा जरूरी है। मैं केड़ी केड़ी मिसाल अल्लाह दे कुरान चो पेश करा, जनाबे यूसुफ अलैहि सलातो सलाम नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ए जनाब दुनिया दे इन्हां हुक्मराना ते और सारे जनाब मिस्रियां ते गालब फरमाया है, जिन्नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज्जत दे नाल नवाजिया, जमीन ते सरदारी दित्ती, बादशाहत भी अता फरमाई। जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम दा ईमान कैसा है, जनाबे यूसुफ दी परहेजगारी कैसी है, जनाबे यूसुफ अलैहि सलाम दे तकवा नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दी एक मुफस्सल सूरत बना दिता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल अर्ज़ लिल्लाही यूरिसुहा मन यशा, ए जमीन अल्लाह दिए जिन्नू चाहे जमीन ते खलीफा बना देवे, जमीन दी वरासत अता कर देवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन ते गालिब फरमा
फरमा देवे, अपने बंदियां चो जिन्नू चाहे मुंतखिब फरमा ले। अल्लाह मुंतखिब फरमांदे ने ते मुत्तकीन नू मेरे भाई मदद मिल दी है ते तकवे वालियां नू। कौन यूसुफ बिन याकूब है जेड़ा आप भी नबी है, जिंदा बाप भी नबी है, जिंदी जद भी नबियां दी लड़ी है। जनाब यूसुफ अलैहि सलाम नू ए जनाब वीरा ने गहरे कुएं दे अंदर डाल दिता है, अल्लाहु अकबर अल्लाह। लेकिन इसके बावजूद मेरे भाई जिंदी मदद मेरा अल्लाह करे, ओनू कायनात दे अंदर मेरे भाई मिटा कोई नहीं सकता, अल्लाहु अकबर अल्लाह। इस वास्ते अकीदा बना लीजिए, अल्लाह ही इस कायनात दा खालिक ओ मालिक है, ओहो ही मदद करने वाला है, ओहो ही मुश्किल कुशा है, ओहो ही हाजत रवाए, ओहो ही दस्तगीरे, ओहो ही फाल लिमा युरीदे। तेरा नाम लिया टल जान दिया बलावाने, तेरा नाम लिया टल जान दिया बलावाने, तेरे नाम विच अल्लाह शिफावाई शिफावाने, तेरा नाम लिया। और अल्लाह दे नाम पाक दियां किन्नियां बरकतां ने, अल्लाह दे इसम मुबारक दियां किन्नियां बरकतां ने। जिथे ओदे नाम दा वजीफा कीता जामदा, जिथे ओदे नाम दा वजीफा कीता जामदा, रहमतां दा मरकज बन जांदियां ओ थावां ने। तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने, तेरे नाम विच अल्लाह शिफावाई शिफावाने। इमामे कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदाने बदर दे अंदर पुकारे ते किन्नू पुकारे आए। जनाब इब्राहिम नबी ने जदों दहकती आतश दे अंदर पुकारे ते मेरे अल्लाह नू पुकारे ते पढ़दे की ने, हसबुनल्लाहु व निमल वकील, निमल मौला व निमन नसीर। ए नबियां दा जिक्र है, नबियां दी दुआ है। मेरे भाई आइए बड़े प्यार नाल अरस करना चाहना, ए अकीदा बना लीजिए, मददगार मेरा अल्लाह है, ओहो ही मौला है, ओहो ही कायनात दा मलजा ओ मावा है। सूरह अनफाल पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैदाने बदरे मेरे नबी पाक दे मुट्ठी भर सहाबा ने 313 या 17 दी थोड़ी जी जमात है, उधर दुश्मना दा जम्मे गफीरे, जिन्ना दे कोल जिरा भी मौजूद है, जिन्ना दे कोल तीरों तलवार भी मौजूद ने, जिन्ना दे कोल दुनिया दियां हर चीज ते नेमता मौजूद ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान करता है, अल्लाह फरमांदे ने कम मिन फियातिन कलीलातिन गालबत फियातन कसीरतम बी इज़्निल्लाह वल्लाहु मअस्साबिरीन। अल्लाह फरमांदे ने कितने ही
थोड़े लश्कर जिने बहुतियां ते खाली बाज जांदे ने कम इन फियातिन कलीला ओ चाहे ते जनाब अबाबीला दे कोलों हाथियां नू मरवा देंदा है ओ चाहे ते तनहा मूसा नबी तो फिरौनियां नू शिकस्त दिवा देंदा है ओ चाहे तनहा इब्राहिम दे हथों नमरूदियां नू शिकस्त दिखा देंदा है ए मेरे अल्लाह दा फैसला है फरमाया कम मिन फियातिन कलीला गालाबत फियातिन कसीरा छोटियां जमातां छोटा लश्कर बड़े ग्रोवां ते बड़ियां जमातां ते गालिब आ जांदा है अल्लाह ओदी की वजह है फरमाया जदों ईमान मजबूत होएगा मैं तुहानू बहुतियां ते भी गालिब फरमावांगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मदद साबरीन दे नाले अल्लाह दी मदद मोमिना दे नाले ए होई मैदाने बदरे दो हिजरीए मेरे पाक नबी मदीना तैयबा तो बाहर निकले ए मेरे नबी दी जिंदगी भर दी कमाई जिदे अंदर सिद्दीक ओ फारूक भी ने जिदे अंदर मेरे पाक नबी दे हैदर जैसे सहाबा मौजूद ने मेरे पाक नबी ने अपने कंधियां ते कमली मुबारक नू ओढ़िया है एक टीले ते मेरे पाक नबी अली सलातों सलाम खड़े होए मेरे पाक नबी दे वास्ते एक उच्चे टीले ते सहाबियां ने जनाब खैमा लगा दिता है मेरे नबी ने मैदान जिहाद दे अंदर भी इबादत दी जनाब अल्लाह दे हां हाजरी दिती और मेरे अल्लाह दे सामने दुआवां पे कर रहे ने इतनी लंबी दुआ की थी इतनी लंबी दुआ मेरे पाक नबी ने मैदाने बदर देंदर फरमाई अखां चो हंजू जारी ने मेरे मुस्तफा एक टीले ते खड़े अल्लाह नू पुकारी जा रहे ने ते की कहंदे ने अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाजिहिल इसाबा अल्लाह ऐ मेरी जमाते ऐ होई मेरा लश्करे ऐ होई मेरी फौजे अल्लाह जे ए कट गए ते होर मेरे कोल शै कोई नहीं अल्लाह इन्ना दे नाल ही तेरा नाम जिंदा है अल्लाह सोनिया जे कट गए फिर तेरे नाम दा चर्चा कौन करेगा मेरे पाक नबी ने गिड़गिड़ा के रो रो के अल्लाह दे अग्गे दुआवां कीतियां सहाबा फरमांदे ने जेड़ी रिदाए मुबारक कमली मुबारक मेरे पाक नबी दे कंधियां ते मौजूद सी ओ रिदाए अनवर भी आप दे कंधियां तो गिरदियां गिरदियां जमीन ते गिर जांदी है सहाबाए किराम चो किसे दी जुर्रत नहीं के नबी पाक दे कोल जान मेरे नबी दा यारे घर आया मेरे नबी दा हम सफर आया मेरे नबी दा अबू बकर आया मेरे नबी दा वजीर आया मेरे पाक नबी दा गमखार आया मेरे पाक नबी दे कोल जनाबे सिद्दीक आए अर्ज करदे ने अल्लाह दे नबी जी इन अल्लाह मुंजी सुम्मा वादा अल्लाह दे नबी जी हुन दुआवां दा सिलसिला रोको तां सही अल्लाह दे हबीब हुन दुआवां दा सिलसिला रोक दियो मैनू यकीन है मैनू अल्लाह ते कामिल यकीन है के अल्लाह अपने नबी दी जरूर मदद फरमाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किवें मदद नाजल फरमाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कायनात दे लोगां नू कायनात दे लोगां नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम सुना दिता है अल्लाह करीम ने फरमाया इज तस्तगीसूना रब्बकुम
फस्ता जा बलकुम अन्नी मुमित दुकुम भी अल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए मेरे नबी जी इस तस्तगीसूना जिदों तुसी मेरे तो मदद तलब कर दे सो। मेरे भाई मेरे नबी ने मदद मंगी है ते किदे कोलो, सहाबा ने मदद मंगी है ते किदे कोलो, मेरे अली ने मदद मंगी है ते किदे कोलो, वलिया ने पुकारे है ते किन्नू पुकारे है। ए कुरान दे अल्फाज ते गौर करो, अल्लाह फरमांदे ने इज तस्तगीसूना रब्बाकुम इज तस्तगीसूना रब्बाकुम। ओए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मेरे नबी ने जिदों अपने गौस नू पुकारिया, मेरे नबी ने किन्नू पुकारिया, गज के बोलो गौसे आजम कौन है, दस्तगीर कौन है, कायनात दे रब ने आप लफज इस्तेमाल फरमाया। इस्तगासा दा माना है मदद तलब करना, मदद लई किसे नू पुकारना। किसे भी सहाबी ने अपनी जिंदगी दे अंदर ए नहीं आखिया अगिसनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी मेरी मदद कीजिए, बल्कि सहाबा ने इस तस्तगीसूना रब्बाकुम मदद तलब कीती है ते अपने गौस रब रहमान दे कोलों कीती। मेरे भाई कुरान दी आयतां ते गौर कीजिए, मसले समझ आ जाएंगे। फरमाया इज तस्तगीसूना रब्बाकुम, फरमाया जिदों तुसी अपने गौस नू पुकारिया, जिदों तुसी अपने मदद करने वाले नू पुकारिया, अल्लाह फरमांदे ने फिर की होया अन्नी मुमित दुकुम अन्नी मुमित दुकुम, ओदो मैं तुआडी मदद कीती। अल्लाह जी तू किवें मदद कीती है, फरमाया भी अल्फिम मिनल मलाइकाती मुर्दिफीन, फरमाया हजार फरिश्ते नू लगातार भेजिया, पै दर पै भेजिया, अल्लाह ने अपनी नुसरत लई भेजिया। और अगली गल सुन लो जरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम। मदद आउंदी है ते अल्लाह दी तरफों, बोलो मदद आउंदी है ते अल्लाह दी तरफों। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ओ होई मददगार है, ओ होई मेरा मौला है, ओ होई मलजाओ मावा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं, अल्लाह बाजों कोई मारदा नहीं, कोई डुब दे बेड़े तार दा नहीं, कोई मुश्किलां तेरियां औसार दा नहीं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ओए जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी, सारियां दियां दस्तगीरियां करन वाला कौन है, मेरे भाई मुश्किल कुशा कौन है। एहो ही अकीदा कुरानी अकीदा है, जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नी, बस ओ दे ते रख तसल्ला नी, छड़ गैरा दा तू पल्ला नी। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मेरे भाई गैरुल
अल्लाह दियां न्याज़ां पिया वंडदा है, कोई गैर अल्लाह दे नाम ते चढ़ावे पिया चढ़ांदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह, कोई जनाब चंद दियां मखसूस दिन ते रातां दा इंतजार करदा है। मेरे भाई, गैर अल्लाह दे नाम ते जो भी चीज नजर कीती जाए ओ कुरान दियां आयतां दे मुताबिक नाजायज, बातिल और हराम है, क्योंकि अल्लाह दा कुरान कहंदा है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। गैर अल्लाह दे नाम ते जो भी नजराना होए, गैर अल्लाह दे नाम ते जो भी चढ़ावा होए ओ दूदियां सबीला होन, गैर अल्लाह दे नाम ते जनाब स्वीट डिशा होन, गैर अल्लाह दे नाम ते देगां दे चढ़ावे होन, मेरे भाई ए अल्लाह दे नाल शिरके। अज अल्लाह दी मदद क्यों नहीं उतरदी जिस जमीन ते अल्लाह दा खा के गैरां दे गुण गाए जान, अल्लाह दी जात नाल शिरक कीता जाए। सब तो बड़ा जुलम मेरे भाई, एक ओ जुलम है जेड़ा कश्मीर दे अंदर कीता जा रहा है, एक ओ जुलम है जेड़ा फलस्तीन दे अंदर कीता जा रहा है। जुलम जुलम ही होया करदा है, जुलम अंधेरे ही अंधेरे ले आया करदा है। कुरान कहंदा है इन शिरका ला जुल्मुन अजीम, फरमाया शिरक वड्डा जुलम है, और जिथे बहुत बड़ा जुलम है उथे अल्लाह दी मदद आउंदी, उथे अल्लाह दी गरिफ्त आउंदी है, अल्लाह दा अजाब आउंदा है। आइए मेरे भाई, अज मुसलमाना कोल वसाइल भी मौजूद ने, मुसलमाना दी तादाद भी ज्यादा है, एटमी ताकत भी मौजूद है, हर जरिया मौजूद है, फौज दी कसरत भी मौजूद है, फिर क्यों अल्लाह दी मदद नाजल नहीं जे हुंदी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरी मदद तो मिलनी है मोमिना नू मिलनी है, पक्के ईमान वालिया नू मिलनी है, मेरी मदद मिलनी है ते मुत्तकीन नू मिलनी है, सच्चियां नू मिलनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरी मदद होर किन्नू मिलेगी? अल्लाह फरमाते ने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हबरी हुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मासाबिरीन। अल्लाह फरमांदे ने जे मदद चांदे हो, सुनो मेरे भाई, अल्लाह फरमांदे ने अल्लाह दी इताअत करो, अल्लाह दी इताअत करन वालेयां ते रब दी मदद लाजम हो जांदी है। ओदे रसूल दी इताअत करो, नबी जी दे फरमा बरदारां ते अल्लाह दी नुसरत लाजम हो जांदी है। वला तनाज़ऊ, फरमाया मोमिनो आपस च नहीं लड़ना, अपने आले ही तुसी बरहना, अपने अपने ले तुसी मुहब्बत दी तस्वीर बनना है, और गैरा ले बरहना शमशीर बनना है। फरमाया अल्लाह ते उहदे रसूल दी इताअत करो, आपस च तुसी इत्तेफाको इत्तेहाद दे नाल रवो। अगर तुसी आपस च लड़ोगे, आपस च तुसी जनाब तनाजात नू फैलाओगे, ओ चाहे लड़ाइयां सियासी होन, ओ लड़ाइयां मसल की ते मजहबी होन ना, जिथे जनाब तनाजात आ जान, जिथे खाना जंगी आ जाए, अल्लाह दा कुरान कहंदा है जदो आपस च लड़ोगे तुहाडा रोब दुश्मना दे दिलां चो मुक जाएगा। इस जनाब यहूद ने हज दे मेरे भाई काफिर ने मुसलमानां नू आपस च लड़ा के आप एक मिल्लत बन के किते कश्मीरियां ते जुलम करदा है, किते फलस्तीनियां ते जुलम करदा है।
है कि ते मेरे भाई शाम इराक बगदाद दे अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान दे अंदर मुसलमाना ते जुल्म करदा है। ओदी वजह की है, ए जनाब साजिशी यहूदो हनूद ने मुसलमाना नु आपस दे अंदर लड़ा दिता है। अल्लाह दा कुरान की कहंदा है जदों तुसी इत्तेहाद कायम करोगे, इत्तेफाक कायम करोगे, एक मजबूत दीवार बन जाओगे, दुश्मना दे दिल च तुहाडा खौफ बारी हो जाएगा, दुश्मना दे सीने च तुहाडा डर पैदा हो जाएगा, जे आपस च लड़ोगे तुहाडा चर्चा मिट जाएगा, हवा उखड़ जाएगी, रोब मिट जाएगा और तुसी आपस दीयां रंजिशां दी वजह तो शिकस्त खा जाओगे, आपस दे तनाजात दी वजह तो मुसलमाना दीयां सरहदां गैर महफूज ने, आपस दीयां लड़ाइयां दी वजह तो हिंदू कश्मीर च जुलम कर रहा है, मुसलमाना दियां आपस दियां लड़ाइयां दी वजह च यहूदी फलस्तीनी मुसलमाना ते जुलम कर रहा है। जदों तुसी आपस च लड़ोगे फिर तुहाडा रोब मिट जाएगा, दुश्मन दा तसल्लुत हो जाएगा। आइए मेरे भाई बड़े प्यार दे नाल अरज करना चाहना, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी मदद किन्ना लोगों मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान दियां आयात गौर कीजिए, फरमाया वमियतवल्लाहा व रसूला वल्लज़ीना आमनू फइन्न हिज़्बल्लाही हुमुल ग़ालिबून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह नाल दोस्ती करेगा, ओ दे रसूल दे नाल मोहब्बत करेगा और मोमन बंदियां दे नाल मोहब्बत करेगा, ओ अल्लाह दा लश्कर है, अल्लाह दी जमात है। जेड़ा जनाब इन्हां यहूदो हनूद दी पैरवी करेगा, उन्हां दी नकाली करेगा, उन्हां दे कल्चर नूं अपनाएगा, उन्हां दियां जनाब रसूम मादा पैरो होएगा, ओना दिया जनाब मुरवजा खुराफात नू सीने लाएगा। फरमाया ओना चो ही खड़ा कीता जाएगा और मदद किन्ना नू मिल दिए जेड़े अल्लाह दे नाल मुहब्बत करदे ने, ओ दे रसूल नाल मुहब्बत करदे ने, मोमिना दे नाल मुहब्बत करदे ने। मोमिन कौन ने? मोमिन तो पहले मुराद मेरे नबी दे सहाबा ने। फरमाया वमियत अल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना माहू फइन्न हिज़्बल्लाही हुमुल मुफ्लिहून। फरमाया जड़ा अल्लाह दे नाल ओदे नबी जी दे नाल ते नबी जी दे मनने वाले मोमिना नाल मुहब्बत करेगा, अल्लाह मोहब्बत भी करेगा ते नुसरत भी भेजेगा ते दुनिया ते गालब भी फरमाएगा। और नबी दे सहाबा ते अल्लाह दी मदद क्यों सी? अल्लाह दी कसमे कुरान कहंदा है रूहमा उबैनहुम अशिद्दाउ अलल कुफारी रूहमा उबैनहुम। मेरे नबी दे सहाबा आपस च मुहब्बत करन वाले, नबी दे सहाबा आपस च मुहब्बत करने वाले, ए जालिम सहाबा दी इज्जत ते हसद करने वाला ए कहंदा है नहीं सहाबा आपस मुहब्बत नहीं सी करदे, ओना दियां माज अल्लाह दुश्मनियां सन, हुन तू दस के मैं तेरे बहतान नू मन्ना के रब दे कुरान नू सीने लावा। सहाबा ते बदर च अल्लाह दी मदद आई, हुनैन च अल्लाह दी मदद आई, खैबर च अल्लाह दी मदद आई, ओदी वजह की है हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रस्म हक
को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, अज क्यों अल्लाह दी मदद नहीं उतर दी, असी गैरां दे वास्ते नरम हां अपने वास्ते गरम हां। अज मेरे भाई दुनिया दे अंदर कौमी टीम दी शिकस्त हो जाए, अफसुरदा हुन्ना है बेहयाई नू फरोग देने वाली औरत दी इज्जत निलाम हो जाए, ओथे अफसुरदा हुन्ना है लेकिन तेरे दिल दे अंदर फलस्तीन दे मुसलमान दी बहनां ते बच्चियां दी ओना वीरां दी मर्दां ते औरतां दी मोहब्बत ते गैरत दिल च पैदा नहीं होई। एदा मतलब की है कि दिल दे अंदर ईमान दी बहार मुक चुकी है, ईमान दी लज्जत मुक चुकी है। मेरे नबी दे यारां ते अल्लाह दी मदद उतर दी सी मेरे भाई, कदम कदम ते अल्लाह दी मदद उतरी ते क्यों? कुरान कहंदा है अशिद्दाउ अलल कुफार, ओ काफरां वास्ते नंगी तलवार सी, आपस दे अंदर मोहब्बतां बांटने वाले, आपस दे अंदर प्यार ते जनाब एक दूसरे दा एहतराम करने वाले। इंज तर्जमा कर दिया, आपस विच फुल्लां दी बहार बन गए। मेरे नबी दे यारां दा ईमान आपस विच फुल्लां दी बहार बन गए, काफर लई नंगी तलवार बन गए, काफर भी वेख के हैरान हो गए, जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए, जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए, जन्नतां च उन्हां लई ऐलान हो गए। और मोहब्बतां कैसियां ने, अबू बकर प्यारे घर बार लूटाया है, अबू बकर प्यारे घर बार लूटाया है, उमर ने आका दा मान वधाया है, उस्मान ते अली भी कुर्बान हो गए, जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए, जन्नतां च उन्हां लई ऐलान हो गए। और कुर्बान जावां अम्मार ते खुबैब दियां वेखो कुर्बानियां, अम्मार ते खुबैब दियां वेखो कुर्बानियां, दीन उतों उन्हां किवें वारियां जवानियां, राजी उन्हां उपर रब रहमान हो गए, जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए। ऐ जे मेरे भाई कामयाबी दी वजह सुन लो कुराने पाक दी आयत दा मफहूम, अल्लाह फरमांदे ने मदद चांदे हो आज भी मेरी मदद आएगी लेकिन मेरी शर्त ते तुसी मोमन बन जाओ, शिरक तो बेजार हो जाओ, मुत्तकी बन जाओ, हयादार बन जाओ। मेरे भाई जदों मोमिन बन जावांगे, मुत्तकी बन जावांगे, जिहाद दे नाल मुहब्बत करन वाले बन जावांगे, अल्लाह ते उहदे रसूल नाल दुनियावी चीजां तो ज्यादा मुहब्बत करन लग जावांगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान दी आयत दा मफहूम सुनना, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सबरी वस्सलाम इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह फरमांदे ने मोमिनो मदद तलब करो किदे कोलों? मेरा अल्लाह ही मुश्किल कुशाए, मल जाओ मावाए मददगारे। अल्लाह जी मदद तेरे तो मंगनी है ते किवें मदद मंगीए? अल्लाह फरमांदे ने सबर दे जरिए ते नमाज दे जरिए, सबर और नमाज अल्लाह दी मदद दे जामिन ने। फरमाया मोमिनो सबर करना तुआडा काम है, नमाज दी हिफाजत करना तुआडा काम है, तुआडी मदद करना मैं रब रहमान दा काम होएगा।
मेरे भाई जरा दुनिया दे अंदर मामलात दे वल ध्यान तो मारिए ना। अज मेरे भाई मोमिन मुसलमान सबर ते शुक्र दी ने मतो महरूम है, नमाजा नू अकारत ते जाया कीता जा रहा है। अज यहूदू हनूदे हो ही चाहता है कि तेनू ए दुनिया दे खेल तमाशिया च लगा के, ए जनाब दुनिया दे लहवो लाभ च लगा के जुमा भी जाया कर दिता जाए, नमाजा भी जाया कर दितियां जान। कितने ऐसे नौजवान ने जेने जुमातुल मुबारक दे बाबरकत दिन मैदाना दे अंदर खेल के वक्त जाया करके जुमे दी नेमत तो महरूम हुंदे ने। और कितने ऐसे नौजवान ने जेने टीविया दे अगे बैठ के इंडिया दे जनाब इन्हां हिंदुआं नू सपोर्ट कर रहे ने, उन्हां नू कामयाब कर रहे ने, उन्हां दीआं जनाब पॉलिसियां ते अमल पैरा हो रहे ने, जुमातुल मुबारक दी जनाब इस अजीम नेमत तो महरूम हो रहे ने। और दस जिथे बेनमाजी कर कर च पैदा होन, मस्जिदां वीरान होन ते किवें अल्लाह दी मदद आए। दस ओए बेनमाजा तेरे की पल्ले आ, दस हां बेनमाजा तेरे की पल्ले आ, जाना तू कबर विच तीन चार फुट थल्ले आ, कबर अंधेरी विच रहना तू कल्ले आ, किसे भी साथ देना नहीं। इस वास्ते मेरे भाई अल्लाह दी मदद चाहते हो, ईमान मजबूत कीजिए, सबर और नमाज दे जरिए अल्लाह दी मदद मंगिए। अल्लाह मेरी तुआडी नुसरत फरमाए और इस्लाम नू पूरी दुनिया ते गालिब फरमाए। कश्मीर फलस्तीन जिथे जिथे मुसलमाना ते मजालिम ढाए जा रहे ने, अल्लाह अपने गैबी खजाने च नुसरत फरमा के इस्लाम नू मुसलमाना नू गालिब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद अक्सा हरमैन शरीफैन दी हिफाजत फरमाए और बैतुल मकदस नू यहूदियां दे कब्जे तो आजाद फरमाए।